important properties of, yes, our today topic is important properties of equipotential surface. Properties of equipotential surface. Or you can write surfaces. What kind of properties are there? First property. No work is done, and it is very, very important for your CBSE board of examination. No work is done. No work is done in moving a test charge कोई भी वर्क डन नहीं होता अगर किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाया जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट कंडीशन इज व्हाट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट on an equipotential surface. What is the meaning of this point? क्या मीनिंग है इसका? Suppose कोई आपके equipotential surface है. Suppose this is positive charge. इसका जो equipotential surface है वो कहाँ है? इसके around. This is positive charge. You know very well. Its equipotential surface is spherical around it, okay? और भाई कोई ले सकते हो suppose ये ले लिया आपने this is electric field but uniform in this you have equipotential surface in this way, okay? तो इसके अंदर कोई भी work done नहीं होगा अगर किसी टेस्ट चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं समझिए इस चीज को सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट है पॉइंट ए यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू अगर मैं इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इसको मूव करवाता हूं सपोज मैंने इसको उठाकर यहां पर ले आया बी पॉइंट किस पॉइंट पर बी तो यहां से यहां तक जो ये गया है तो यहां पर वर्क डन क्या होगा जीरो वर्क डन क्या होगा जीरो इसी चीज को आप यहां पर भी देख सकते हो एक पॉइंट यहां पर है इस सरफेस के ऊपर ये सरफेस दिख रहा है आपको ए बी सी डी सपोज यहां पर पॉइंट एक है पी पी पॉइंट से मूव करवाया आपने इस तरह से इसी सरफेस पे यहां पर एस पॉइंट पर ले आए इस तरह से मूव करना तो इस केस में भी वर्क डन क्या होगा जी तो प्रूव भी कर सकते हो आप इसको प्रूव करना भी आ जाता है कई बार एग्जाम में करें प्रूव ठीक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है डब्ल्यू कौन से वर्क डन किसके इक्वल होता है वी क्यू क्यू क्या है यहां पर क्यू नोट टेस्ट चार्ज लेकर चलोगे पता है ना ये W A B या कुछ भी लेते थे आप और V का मतलब क्या होता था V B माइनस V A लिख सकते हो ऐसे इसको वर्क डन A से B के लिए इसी पॉइंट के लिए पढ़ लेते थे तो W A B इज इक्वल टू V B माइनस V A कैसा सरफेस है ये पता है इसका कौन सा सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट मीन्स वी ए इज इक्वल टू क्या होगा वी बी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप इस सरफेस पे सभी पोटेंशियल क्या होंगे सेम होंगे
VBA is equal to VB का मतलब क्या होगा? VB minus VA किसके इक्वल होगा? जीरो। VB minus VA, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम होंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो जीरो इंटू क्यू नॉट। फ्रॉम देयर वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस। ये पॉइंट आपका प्रूव हो चुका है। इसी तरह से आप यहाँ पे पी एस ले सकते हो, ठीक है, पी से एस के लिए, तब भी सेम थिंग यू हैव टू राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये इसी में एक चीज और समझाऊं आपको, इसी में अगर WAB जीरो आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो एक चीज और प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी है वो भी इसकी, लेकिन इसी के साथ समझा देते हैं क्योंकि लाइन वाइज कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। WAB जीरो होता है या वर्क डन जीरो होता है कब? एट इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर से जो भी ये लाइनें निकलती है, यू नो वेरी वेल, जो ये सोर्स चार्ज है, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से, और ये क्या हो रही है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो यहां से देखा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो इसका सरफेस है, इस सरफेस को सपोज एस ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एस। तो ये एस के साथ क्या होंगी? परपेंडिकुलर। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी। इस सेकंड प्रॉपर्टी में आपको क्या बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, क्या बताना है इसमें? जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा पॉइंट लिखा हूं, चलो पूरा पॉइंट लिख दे, फुल पॉइंट कंप्लीट पॉइंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। फील्ड ले लिया आपने, यहां से इमेजिनेशन ले लिया, क्या इमेजिनेशन लिया? कि सोर्स चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकल ही रही थी, नॉर्मली निकल रही थी इससे, ठीक है। लेकिन जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसको भी अगर क्रॉस करती है तो इसके साथ भी कितना डिग्री एंगल बनता है? नॉर्मल ही बनता है, क्योंकि ये सरफेस कौन सा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस सरफेस के साथ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कैसे है? परपेंडिकुलर। तो ई और एस के बीच में क्या हो गया? परपेंडिकुलर। लेकिन एस क्या है? एरिया या सरफेस। एस क्या होता है? एरिया या सरफेस। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, सरफेस सरफेस तो ये सारा है, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है? तो इसकी अगर आपने डायरेक्शन लेनी है तो यहाँ पर मैं एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी बात एरिया की डायरेक्शन की बात आएगी, देखो एरिया होता है स्केलर क्वांटिटी, एरिया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। समझना जरूरत पड़ने वाली है, सरफेस या एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का ये सरफेस है, इसकी क्या डायरेक्शन है? हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन लेने के लिए हम सबसे पहले तो इसका स्मॉल अमाउंट लेंगे, स्मॉल पार्ट लेंगे, स्मॉल पार्ट या स्मॉल एलिमेंट कह सकते हो आप। फिर आप इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। वो जो नॉर्मल होगा वो इस सरफेस की, सरफेस का स्मॉल पार्ट लेना है आपने,
या एलिमेंट और उसका नॉर्मल लेना है, वो आपको डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया या सरफेस जो भी आप ले रहे हो, एरिया बोल सकते हो, सरफेस बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ सरफेस दे। जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड की डायरेक्शन क्या है? पीछे से भी है, आगे से भी है बोर्ड, तो ये ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? नो डायरेक्शन। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक पेन लिया, एक रोड ली, वो रख लिया यहाँ, ये इसके साथ क्या बना रहा है, ये पेन 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा आपकी तरफ, यस और नो? ठीक है, अगर ये बोर्ड ऐसे होता तो फर्श है तो ऊपर की तरफ, छत है तो नीचे की तरफ, दीवार सामने है सामने, ठीक है, इस तरह से आप कहीं भी, अगर स्लांटिंग है तो, स्लांटिंग है तो क्या करें, ये इसके, तो इस तरह सर एरिया डायरेक्शन, तो आप ड्रॉ पर कोई रख के लाइन देखिए इस भी डायरेक्शन ऑफ जी, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो सोर्स चार्ज जो लिया है उसके साथ तो परपेंडिकुलर है, अब क्वेश्चन आ जाता है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, ये प्रूव कर, करें चलो कर। आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अभी अभी एक चीज आपने फाइंड आउट करी है, वो क्या है, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन के बारे में पढ़ो थोड़ा सा, वर्क डन के बारे में बताइए, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ले लूं तो एफ इंटू डी एस लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वी बी माइनस वी ए क्यू नोट होता है, क्यू नोट को इधर ले आओ क्या हो जाएगा, एफ कोन क्यू नोट इंटू डी एस हो जाएगा ऐसे, दिस इज वी बी माइनस वी ए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वी बी माइनस वी ए क्या होता है, जीरो, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, ये सारा वर्क डन ही तो है, आप इसको जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, जीरो लिखने के बाद यहां पर देखिए ये सारी चीजें जीरो के इक्वल होगी, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वी बी माइनस वी ए भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो एफ डी एस के ऊपर फोकस रखो, ये क्यू नोट मैं यहां पर लेकर आया हूं, एफ अपॉन क्यू नोट क्या होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, जो वेक्टर में ले लो ताकि इसके साथ नॉर्मल भी लगा हुआ है, सरफेस का नहीं होता वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं, लेकिन उसके साथ नॉर्मल लेकर आप उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, तो ई डी एस, डी एस के साथ वेक्टर लगा दिए, इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, और इनके बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, पढ़ा था ना वर्क डन के फार्मूले, ई डॉट डी एस, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े से पार्ट, मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया ये डीएस, तो डीएस के साथ क्या आ गया ये परपेंडिकुलर, बिकॉज जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, डीएस क्या है, डीएस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सरफेस है, तो इसका मतलब ये पूरे के साथ भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर, सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड का मैंने थोड़ा सा एरिया ये ले लिया डीएस, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, सामने, ये लो, तो जब ये थोड़े से पार्ट के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, नॉर्मल बना रहा है, परपेंडिकुलर है वो, तो बाकी के साथ भी कैसा होगा, सभी कहीं भी रख लीजिए आप इसको, कि पूरे बोर्ड के साथ सारी जगह पर क्या होगा, नॉर्मल, जैसे इसके साथ यहाँ पर नॉर्मल है ये, अगर मैं किसी भी कहीं भी ले जाऊं इसको, ये सभी जगह पर क्या होगा, नॉर्मल की तरह ही एक्ट,
ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर कैसी होगी, लेफ्ट और राइट। ओके, तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये आप प्रूव कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, एग्जाम में कई बार आ जाती है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच। No two equipotential surfaces can intersect to each other. कैसे काटते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, काट सकते हैं एक दूसरे को? नहीं। क्यों? देख लीजिए, ये पॉजिटिव सोर्स था, इसका फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज आपने आर डिस्टेंस पर बना दिया, कैसा बनेगा? ये फर्स्ट बन गया इक्विपोटेंशियल। फिर आपने आर डैश लिया, आर डैश लेंगे तो क्या होगा, सेकंड सरफेस में आर और आर डैश क्या होंगे, नॉट इक्वल, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। चलो मैंने आर डैश को ग्रेटर ले लिया, ग्रेटर देन आर ले, तो क्या होगा, सरफेस इसका कैसा आएगा, इस टाइप। क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती, कर रही है? तो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ strong electric field and they are farther apart in the region of weak electric field. चलो इसी में समझेंगे इसको भी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती है हमारी, इन दिस वे, इस तरीके से, ठीक है, ओके। थोड़ी और बना लेते, थोड़ा और इजी हो जाएगा समझना। सभी नॉर्मली निकलिंग इस तरह से चारों तरफ रेडियल बोलते हैं, तो रेडियल ही निकल रही है, चारों तरफ निकल रही है, एक बॉल के चारों तरफ से निकलना, इमेजिन करिए इस चीज को कैसा लगेगा, इस तरह। तो वो कह रहा है जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कट तो करते नहीं आपस में, ये आपका फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये फर्स्ट, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ये ले रखा है, सेकंड आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला है, ठीक, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये वाला सेकंड। इसमें क्या है, म्यूट करिए बेटा आप सभी अपने माइक और क्लोज योर वीडियोस, डिस्टर्बेंस होती है। तो फर्स्ट और सेकंड जो सरफेस है इसमें देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर या स्ट्रोंगर कहां होगा, जहां पर इनके बीच का गैप कम होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप किसमें कम है, इस वाले रीजन, रीजन फर्स्ट क्या है,
वेरी वेरी क्लोज, तो ये आपको स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी, और ये क्लोजर कब होंगी, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, सोर्स चार्ज के पास होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ ड्रॉ करना है, इफ नियर टू सोर्स चार्ज, ध्यान रखना इसका, सोर्स चार्ज के पास जितना होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप कम होगा और स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी, यानी कि V और E की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हो या सोर्स चार्ज के नियर। इसका रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, कब, जब फार फ्रॉम सोर्स चार्ज, फार फ्रॉम सोर्स चार्ज, क्यों होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज फार सेपरेशन, फार सेपरेशन, उनके बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा। देखो आप सेकंड रीजन में देख सकते हो, रीजन टू में इनके बीच का गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया कंपैरेटिवली फर्स्ट, तो आप यहां पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियल की भी कम होगी, सब कुछ आपके सामने। ओके, चलो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, नोट करिए, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसके न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल बहुत आते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना है तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस कर दीजिए, या इसका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, नेगेटिव हो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है पोटेंशियल कम होता चला जाता है, ये भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये फार्मूला आप थोड़ा सा नोट करिए, इसके ऊपर कंसेप्चुअल और क्वेश्चन होते हैं वो आपको करवाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, क्वेश्चन करा दो एक इसी के ऊपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट न्यूटन पर कूलम होते हैं, एग्जिस्ट इन द वर्टिकल exist in the vertical downward, vertical downward direction vertical downward direction, find the increase in the electric potential find the increase in the electric potential
as one goes up through a height, as one goes up through a height of 50 centimeters. ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है, थोड़ा सा देखो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ई की वैल्यू गिवन है, ओके। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और हाइट गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस टर्म आपको गिवन है, आर टर्म गिवन है। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, अभी अभी फॉर्मूला आपने करा था, क्या था फॉर्मूला, वो सॉल्यूशन में यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी, यही था। क्या निकालना है आपको, कितना चेंज हुआ है, देखो इंक्रीज इन द पोटेंशियल, इंक्रीज इन का मतलब क्या हुआ कि आपको वी नहीं चेंज निकालना है, क्या निकालना है डीवी निकालना, ध्यान देना इसमें। इंक्रीज क्या पहले वैल्यू थी वो नहीं बताना, बाद में क्या वैल्यू हो गई है वो भी नहीं बताना, सिर्फ क्या बताना है कि उसमें कितना चेंज आए। तो हमें भी पहले से और बाद वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए इसमें, इसमें क्या निकालना आपने डी। तो डीवी कैसे निकाल लोगे, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर। ठीक है, वैल्यू है आपके पास सबकी, पुट कर दीजिए, माइनस 10 न्यूटन पर कूलम इनटू डीआर, डीआर कितनी हाइट बढ़ाई है, सिर्फ कितनी हाइट बढ़ाई है, पहले ए पॉइंट पर था फिर बी पर चला गया 50 सेंटीमीटर, पहले कितनी हाइट पे था ये नहीं दिया, बाद में कितनी हाइट हो गई वो नहीं दिया, उनके बीच की हाइट का डिस्टेंस दे दिया, यानी कि दो पॉइंट के बीच का गैप दे दिया 50 सेंटीमीटर का मतलब 50 × 1/2 मीटर। तो ये भी एमकेएस सिस्टम में बना दिया आपने, वैल्यू सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, कैसे होगा 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100, 0 to 0 कैंसल, इस 0 से ये वाली 0 कैंसल, नाउ -5 वोल्ट, dv is equal to -5 volt, so this is the change, okay, अब sorry minus minus plus हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने क्या करना है -10 × 12 भी -10 था, तो +5 volt का change आएगा, यानी कि increase होगा। ठीक है, height बढ़ाने से voltage में change जो आएगा वो positive manner में आएगा। आई होप आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिली होगी, और एक नया फार्मूला आपके सामने आ गया आज, इसके ऊपर कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कंसेप्चुअल बन जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ये किसके कॉल होता है, या इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको एक नया फार्मूला है जो आपको अपनी मेमोरी में फीड करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक नए यूनिट भी मिलेंगे, कैसे, वोल्टेज पोटेंशियल है तो वोल्ट ऊपर और डिस्टेंस है तो मीटर नीचे, तो यहाँ से देखा जाए तो वोल्ट मीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट आपके पास है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट मीटर इनवर्स। अगर आप इनको सोल्व करोगे किलोग्राम मीटर सेकेंड के फॉर्म में लेके आओगे तो आपको दोनों ही सेम मिलेंगे, दोनों में से कुछ भी नोट कर सकते हो आप, इसमें दोनों ही पता होने चाहिए। कई बार पेपर में आ जाता है कि वोल्ट मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो वोल्ट मीटर इनवर्स नहीं बता सकते क्योंकि ये ज्यादातर यूज करते हैं बच्चे, इसके बारे में नहीं पता होता। तो इस फार्मूले में एक दो नंबर छुपे हुए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज एंड प्लीज रिमेम्बर दिस फॉर्मूला एंड फीड इन योर मेमोरी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस।
हेलो 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 सर नीरज सर हेलो हैज ऑलरेडी लेफ्ट द क्लास।